इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज छत्तीसगढ़, मैं हूं प्राची तिवारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए नामांकन का काम शुरू हो गया है। प्रदेश की 18 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इस चरण में प्रदेश के 8 जिलों के 18 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन 23 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे, जबकि 24 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी और 26 अक्टूबर को नाम वापस लेने की तारीख तय है। वहीं प्रथम चरण के लिए 12 नवम्बर को मतदान होंगे। प्रथम चरण बस्तर संभाग के 7 जिलों के 12 विधानसभा सीटें और राजनांदगांव जिले के 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। अनिल जैन ने कहा कि भानुमति का कुनबा जोड़ने में विफल रही कांग्रेस अब झूठे वादों का पिटारा खोलने की तैयारी में है। देश को सब्जबाग दिखाकर 50 साल तक शोषण करती आई पार्टी जनता द्वारा ठुकरा दिए जाने के बाद सांता क्लॉज स्टाइल में सबके लिए उपहार देने की मुनादी पीट रही है। इसके वादे कुछ और होते हैं और इरादे कुछ और। अब तो कांग्रेस की दुकान पर एक ही बोर्ड लगना बाकी है जो जनता लगाएगी। इस बोर्ड पर लिखा होगा कि ये दुकान हमेशा के लिए बंद हो गई है। बसपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में प्रचार कार्यक्रम भी तय हो गए हैं। मायावती 4, 16 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में 6 आम सभाएं करेंगी। बसपा ने प्रचार कार्यक्रम को देखते हुए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस बार छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दोनों राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा नक्सलियों पर दोनों ओर से लगाम लगाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के डीजी नक्सल ऑपरेशन पर लगातार संपर्क में हैं। 3 दिन पहले रायपुर में दोनों राज्यों के डीजीपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक में ये तय किया गया है कि कैसे दोनों राज्यों की सीमा को नक्सलियों से सुरक्षित रखा जाए। चुनाव के समय नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करते हैं। बस्तर में नक्सलियों ने अपने प्रभाव वाले इलाके में अभी से चुनाव बहिष्कार संबंधी पर्चे भी लगा दिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 22 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। पीसीसी चीफ भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी 22 अक्टूबर को रायपुर आएंगे। वो यहां विशाल किसान सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के प्रदेश दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ये भी बता दें कि राज्य में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण में 12 नवंबर जबकि दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि चुनाव के परिणाम 11 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तो ये थी छत्तीसगढ़ बुलेटिन की आज की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।